ओम शांति। 4 मार्च 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न: विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए, याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ट अर्थात स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा, तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, तीन वन है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है, मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं, पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवे। आटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे, वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं, फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाए, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा, बस हम आपके पास आए कि आए, ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, जन्म जन्मांतर का किचड़ा है वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है।
बाबा को बुलाते ही है कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायण की कथा, नरसे नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमोप्रधान बनी है उनको सत्वप्रधान बनना है। सत्युग में सत्वप्रधान थे, अब फिर सत्वप्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सत्वप्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है फिर शुरू होगा, ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सत्युग का मिलता है। भारत सत्युग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम भी अपकार ही करते आए हो। बाबा कहते तुम तो अपकार ही करते आए हो। हमने अपकार करते हुए बाबा की ग्लानी करते हुए भी शिव बाबा उपकार करते हैं। बाबा कहते मैं उपकार करता हूँ और तुम तो अपकार करते आए हो। वह भी ड्रामा में नोंद है, इसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने की। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुम्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है।
कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है, ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नरसे नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो कि आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो। कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे। कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे, मूंछे हुए तो कैसे उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उत्तर देंगे वो लोग। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है कि कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगमयुग पर आते हैं? एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। कितना कुछ करते हैं ना बाबा। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं
दिल्ली में सेवा का घेरा उड़ा लो, विस्तार करो। परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए, मन और बुद्धि से अशरीरी होते हैं। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। बन रहे हैं ना सभी नई दुनिया के लायक? कहे हाँ जी बाबा। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा? हमारा तो कुछ है ही नहीं वास्तव में। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की टेव अर्थात आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्से पर हक है। बहन का भी भान न आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। मैं आत्मा आत्मा भाई को देख रही हूँ, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। आत्मा को ये शरीर मिला है, इसमें किसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही है ये प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी तो? अरे हाँ जी बाबा। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो? बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको दो बाप है, हमको तीन है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे।
बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरी पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान करना है, आटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का मीठा वरदान, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। विश्लेषण, जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ, यह समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। आज का अव्यक्त इशारा है, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिकर बादशाह रहेंगे। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूं, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास, दादी जी का क्लास कंटिन्यू करेंगे 9:45 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।